हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम जो है वो बनाऊंगा। सी लैंग्वेज का यूज़ करके इसका हम कोड लिखने वाले हैं, और ये ऐसा प्रोग्राम है जो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। एंड इसके अलावा इसको लाइक कम्पिटिटिव कोडिंग में भी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं, लाइक पेप कोड हो गया या लीड कोड वगैरह हो गया, इन जगहों पर भी इसको पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है वो हम लोग लिखेंगे। सो गाइस, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन ए नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स नंबर्स, एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन, फाइंड दैट सिंगल वन। सो हमें कहा यह गया है कि हमें एक नॉन एम्प्टी एरे दिया गया है इंटीजर्स का, जिसमें केवल एक एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं वो दो बार आए हैं। एग्जैक्टली केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो एक बार आया है, बाकी सभी एलिमेंट दो बार आए हैं। तो हमें वो पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहां रेस्ट्रिक्शन जो दिया गया है वो यह है, यू मस्ट इंप्लीमेंट ए सॉल्यूशन विद ए लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। यानी हमें जो इसको सॉल्व करना है वो कॉम्प्लेक्सिटी n के साथ में सॉल्व करना है, और एक्स्ट्रा स्पेस आप केवल कॉन्स्टेंट ले सकते हो, मतलब इक्विवेलेंट कोई दूसरा एरे नहीं बना सकते। सिमिलरली लूप जो चलाना है वो आपको एक ही लूप चलाना है, नेस्टेड लूप आप नहीं चला सकते हो। उदाहरण के लिए हमें एग्जाम्पल 1 दिया है, लाइक इनपुट नम्स जो एरे है उसमें वैल्यूज है हमारे पास 2, 2, 1। तो देखो यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, एक तो दो है और एक एक है। दो जो है वो दो बार आया, जबकि एक एक बार आया, तो आउटपुट आएगा हमारा 1। दूसरा एग्जांपल हमें दिया है कि दो एलिमेंट ये पांच एलिमेंट है हमारे पास, 4, 1, 2, 1, 2। अब इसमें 1 दो बार आया, 2 दो बार आया, 4 एक बार आया केवल, तो आंसर हो गया 4। सपोज एक ही एलिमेंट है 1, तो आउटपुट हमारा हो गया 1। ठीक है गाइस, अभी देखो जो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमारे दिमाग में आती है वो यही है कि हम एक नेस्टेड लूप चलाएंगे और काउंट करते जाएंगे कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। एक बार थोड़ा सा रुक करके आप लोग इस अप्रोच को सोचे भी, वीडियो को पॉज करके, फिर आप आगे जो है इस अप्रोच को जो मैं बताने वाला हूँ उसको फॉरवर्ड करना स्टार्ट की उसको चेक करना स्टार्ट कीजिएगा। सो गाइस, आई थिंक सोचा होगा आपने इनफ, हम लोग जो है इसके अप्रोच को देखते हैं। एक चीज देखिएगा, हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एरे के सभी एलिमेंट का आपस में XOR करवाना है इस क्वेश्चन में। जैसे यहां पे हमारे पास फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं 2, 2, 1, 2 XOR 2 XOR 1, सो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 XOR 2 क्या हो गया बच्चों, 0, 0 XOR 1 क्या आ गया हमारे पास, 1। सो ये आंसर हो गया। सिमिलरली इस एग्जाम्पल को देखें तो हमें 4 XOR 1 XOR 2 XOR 1 XOR 2 करवाना है। तो यहां पे भी सिंपली आप चाहें तो मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, लाइक पहले वाले में अपन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सब में भी फिर इसी तरह से फॉलो होएगा। इसको भी एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं, लाइक 2 XOR 2 XOR 1 का आंसर 1 कैसे आया वो देख लेते हैं। 2 का कोड क्या होएगा बाइनरी, 10, इस 2 का भी 10। सो यहां पे क्या हो गया अपने पास में, आंसर हो गया हमारे पास 0। तो 2 XOR 2 क्या हो गया हमारे पास, 0, 0 XOR 1 हुआ, दैट मीन्स 1 का कोड क्या है, 0, 1। तो इन दोनों का XOR तो क्या आ गया आंसर हमारे पास, 0, 1, दैट इज 1। एक बार इस एग्जांपल को भी देख लें, 4 XOR 1 XOR 2 XOR 1 XOR 2 को। सो गाइस, 4 का बाइनरी कोड क्या होगा हमारे पास, 1, 0, 0। 1 का XOR क्या होगा, 0, 0, 1। 2 का XOR 0, 1, 0। देन अगेन 1 का XOR 0, 0, 1। देन 2 का XOR 0, 1, 0। सो इसमें हम देख लें, अब देखो XOR में बेसिकली क्या होता है, हमें पता है हमें ये जो इनपुट हैं, ये सारे बिट्स इनपुट हैं, इनमें हमें 1 काउंट करने हैं। तो कितने 1 आए हमारे पास, 1, 2, 2 1 आए, इवन नंबर ऑफ काउंटिंग है, तो यहां पे रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0। इस वाले इनपुट में देखें अगर, तो
तो दो वन आए हैं, तो ये भी रिजल्ट क्या हो गया बच्चों हमारे पास, जीरो। यहाँ पे देखें तो एक ही वन आया है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, वन। तो ये हमारे पास इस पूरे एक्स वार का रिजल्ट हुआ, दैट इज फोर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास नम्स करके कोई एरे है जिसमें वैल्यूज पड़ी हैं 10, 5, 5, 1, 10, 20, 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है फाइन। ये हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स और, इनमें से हमें वो फाइंड आउट करना है जो एक ही बार आया हो। तो एक ही बार आया हुआ है, फाइंड आउट करना है सबकी। हम बाइनरी वैल्यूज बना लें पहले, इसको मैं स्क्रॉल कर दूं बच्चों। हाँ फाइन। तो 10 का बाइनरी कोड क्या हो गया, 1010। 5 का बाइनरी कोड क्या हो गया हमारे पास, 101। अगेन 5 आया, उसका भी बाइनरी कोड 101। फिर आया 1, तो 001। फिर आया 10 अगेन, तो 1010। फिर आया हमारे पास 20, तो 20 का हो गया 16 4 20। फिर आया 1, तो अगेन 001। अब इनकी सारी बिट्स को हम 5 5 बिट में लिख लेते हैं ना, क्योंकि जो लार्जेस्ट नंबर आया उसमें 5 बिट काम में आ रही है हमारे। फाइन। तो यहाँ पे देखो, इस लाइन में आप सबसे पहले काउंट कर लो, 1 की काउंटिंग क्या आ रही है, 1 2 3 4, यानी इवन नंबर ऑफ 1 है। तो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास में, 0। फिर इस लाइन को काउंट करें, 1 और ये 1 दो बार आया, तो ये भी 0। फिर इस लाइन को काउंट करें हम, 1 1 1 तीन बार आया, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 अपने पास। फिर इस लाइन में हम काउंट कर लेते हैं, 1 1 दो बार आया, तो ये 0। फिर इस लाइन को हम काउंट कर लेते हैं, ये एक बार 1 आया है, दैट मीन्स ये 1। तो ये कोड क्या हो गया, 10100, दैट मीन्स आंसर क्या हो गया हमारे पास, 20। और देख लीजिए, ये 20 ही यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास एक बार ही आया है इस एरे में। सो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे क्या, बेसिकली बेसिकली हमें एरे में इनपुट लेना है, देन उनका एक्सआर करना है सारे एलिमेंट्स के एरे के। सो लेट्स राइट राइट द कोड। मैं डेवलपर सी प्लस स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी गाइस। कंट्रोल एन से मैंने न्यू फाइल डेवलप करी, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश डिफाइन साइज, साइज एक मैंने कॉन्स्टेंट बना दिया, 1000 एलिमेंट का बना दिया। आप लोग अगर जिस पोर्टल पे सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे देखोगे, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम लिमिट दी हुई होगी साइज की, तो वो साइज आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद मैंने क्या करा, मेन फंक्शन बनाया, इसमें एक मैंने एरे बना दिया और इसका साइज रख दिया मैंने साइज। नाउ एक इंट एन ले लिया मैंने, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम ले सकें, जिसके थ्रू एक हमने आई ले लिया लूप चला करके वैल्यू इनपुट लेने के लिए, और एक हमने एक्स आर वेरिएबल ले लिया। ठीक है गाइस, वेरिएबल एक्स आर ले लिया हमने, फाइन। सो नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, स्कैनफ लगा करके यूजर से सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेते हैं कि कितने एलिमेंट चाहिए। सो ये हमने स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एन ले लिया, फिर हमने लूप सेटअप कर दिया आई बराबर 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फाइन गाइस। और स्कैन एफ लगाया हमने यहाँ पे, यहाँ पे हमने वैल्यू इनपुट ले ली यूजर से एड्रेस ऑफ ए आर आर आई पर। ठीक है गाइस, नाउ हमें एक्स आर करना है सारी वैल्यूज का। तो हमने क्या करा, वी एक्स आर को इनिशलाइज कर दिया एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, है ना। फिर हमने लूप सेटअप कर दिया आई बराबर 1 से आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस, ठीक है। और वी एक्स ओ आर इक्वल टू वी एक्स ओ आर, देन इसका एक्स ओ आर करवा लेंगे हम किससे, ए आर आर के आईथ एलिमेंट से। ध्यान रखना, ऑलरेडी यहाँ पे वी एक्स ओ आर में ए आर आर 0 पड़ा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पड़ा है। दैट्स वाई हमने लूप को वापस कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से, ताकि यहाँ पे पहली बार वी एक्स ओ आर में ए आर आर 0 पड़ा है, तो इसका एक्स ओ आर किससे परफॉर्म होगा, ए आर आर 1 से। तो दोनों के एक्स ओ आर का रिजल्ट वी एक्स ओ आर में आ जाएगा, उसके बाद में आई की वैल्यू हो जाएगी 2।
कंडीशन चेक हुई कि ट्रू है, तो वी एक्सओआर में क्या पड़ा था, जीरो और वन का एक्सओआर, अब उसका एक्सओआर किससे हो जाएगा, ए आर आर टू से, ठीक है। तो फाइनल जब लूप चल जाएगा तो सारे एलिमेंट का एक्सओआर हमारे पास वी एक्सओआर वेरिएबल में पड़ा है, उसको हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे, परसेंट डी कॉमा वी एक्सओआर। सो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। नाउ सेव कर देते हैं इसको, और एक सेकंड गाइस, ओके फोल्डर बना देते हैं इसका एक यहाँ पे, लाइक मैंने फोल्डर बना दिया यूट्यूब, इसमें हम इसको सेव कर देते हैं एरे सिंगल एलिमेंट नाम से, और सेव एस टाइप कर दिया हमने सी। नाउ इसको हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। सो गाइस इसको कंपाइल एंड रन किया हमने, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट हमने बता दिए, लाइक एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ रख लेते हैं और ये वाली जो विंडो है इसे यहाँ रखते हैं हमारे सामने, तो जो एग्जाम्पल्स हैं इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू इनपुट दे के देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे कितने ले रहे हैं, हम तीन ले रहे हैं, तो यहाँ मैंने एरे का साइज दे दिया तीन, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया मैंने टू टू वन, फाइन। सो ये यूनिक एलिमेंट है हमारे पास, वन आ गया रिजल्ट, ठीक है गाइस। एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसे, सो रन, दिस इज अवर विंडो, फाइन। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें पांच एलिमेंट है, तो साइज मैंने ले लिया पांच, वैल्यूज दे दी मैंने 40, 10, 20, 20, 10, सो आंसर इज 40, फाइन गाइस। और एक कॉर्नर केस ले लेते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया एंड यहाँ इसे सेट कर दिया। नाउ मैंने साइज ले लिया वन, वैल्यू दे दी मैंने 10, तो एक ही एलिमेंट है 10, तो ये इटसेल्फ यूनिक है, आंसर क्या आ गया हमारा 10, फाइन गाइस। सो बच्चों ये था हमारे पास में एक अच्छा सा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, उम्मीद करता हूँ इसका लॉजिक जो है वो आपको समझ आया होगा। गाइज अगर आप लोगों को XOR ऑपरेटर की वर्किंग नहीं पता है, लूप नहीं पता है, एरे नहीं पता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसकी जो प्लेलिस्ट है, जो लास्ट में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में जाके जीरो से लेकर के लास्ट तक सारे वीडियोस को देखें, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहले स्ट्रांग हो सकें। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। सो गाइज आई होप कि ये समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।